नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हमारा इसमें टॉपिक रहेगा वो रहेगा करेक्टर ऑफ माइकल। और इसमें ये जो हमारी स्टोरी है द रनअवे, ये इसका मेन हीरो यानी प्रोटागोनिस्ट है। तो आपको डिफरेंट तरीकों से क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस को मेंशन किया है, कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये आपकी टेस्ट शीट भी है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन अगर इस तरह से आए, हु इज़ द मेन करेक्टर, या फिर आपसे पूछा जाए मेन प्रोटागोनिस्ट, या फिर आपसे पूछा जाए हु इज़ द सेंट्रल करेक्टर ऑफ द स्टोरी द रनअवे, तो इसमें सभी में सेम आपको क्वेश्चन आएगा। अगर आपको क्वेश्चन आए ब्रिंग आउट द फ्रस्ट्रेशन ऑफ अ टीन एजर, यहाँ पर टीन एजर होना चाहिए, हाउ द राइटर मॉर्ले कॉलगन प्रेजेंट दैट थ्रू आउट हिज करेक्टर्स। तो यहाँ पर भी मेन प्रोटागोनिस्ट का ही जो करेक्टर आना है वही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो टीन एज का बॉय दिखाया गया है वो मेन प्रोटागोनिस्ट है हम लोगों का। हु इज़ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी, सेम आपको आंसर रहेगा। एग्जामिन द स्टोरी द रनअवे डील्स विद द टीन एजर्स इशू। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स बनाई हुई है। तो अगर आपको अपना क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा दिखाना है तो क्वेश्चन में जो भी आए उसको आपको एक हेडिंग बना देना है। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पर आया है द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी, इसी को लेकर आप हेडिंग बना सकते हो और अपनी डिटेलिंग को शुरू कर सकते हो। इंट्रो और आपका कंक्लूजन, ये इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर आप लिखते हो, आपको अगर आता है ब्रिंग आउट द फ्रस्ट्रेशन, तो आप यहाँ लिख सकते हो द फ्रस्ट्रेशन ऑफ अ टीन एजर बॉय। तो यहाँ पर भी अगर टीन एजर बॉय आप लिखते हो तो सेम आपका प्रोटागोनिस्ट का इंट्रोडक्शन चला जाता है। द प्रोटागोनिस्ट आप हेडिंग ले सकते हो। एग्जामिन द स्टोरी द रनअवे डील्स विद द टीन एजर्स इशू, ये आप हेडिंग ले सकते हो। एंड माइकल इज अ फ्रस्ट्रेटेड यंग बॉय, यहाँ पर भी आप ये ले सकते हो। या फिर आपको ऐसा भी आ सकता है माइकल इज डीलिंग विद द लव फेलियर। तो आपको अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए जो भी माइकल से रिलेटेड हो, या फिर सेंट्रल कैरेक्टर या मेन कैरेक्टर से रिलेटेड हो, आपका आंसर यही आएगा जो आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो इस वीडियो में पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है और एंड में टेस्ट भी आप लोगों को देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा, ये आपका इंट्रोडक्शन में रहेगा। ये इंट्रोडक्शन मैंने इस वीडियो में दो लिए हैं। फर्स्ट वन तो आपका ये वाला रहेगा कि अगर आपसे मेन कैरेक्टर जो है उसका जो इंट्रोडक्ट उसके बारे में अगर पूछा जाता है, यहाँ पर देखिए राइटर के थ्रू, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन आप राइटर के बारे में भी दे सकते हैं और अपनी शॉर्ट स्टोरी के बारे में भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही चल सकती हैं। दोनों इंट्रोडक्शन लिए हैं, दोनों में से कोई एक आपको लर्न करना है। तो सबसे पहला तो ये हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हम लोगों को कौन सा हो सकता है। सेकेंड हेडिंग हम लोगों की ये रहेगी कि हम लोगों को ये ज़रूर डालना है, क्योंकि यहाँ पर इस पूरी शॉर्ट स्टोरी में जो राइटर है उसने साइकोलॉजी को लिया है टीनएजर्स की, तो वो आपको हेडिंग में भी ज़रूर डालना है। अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से आए हाउ द राइटर डील्स विद द टीनएजर्स प्रॉब्लम, तो या फिर टीनएजर की लाइफ को किस तरीके से दिखाया है, हाउ ही डील्स विद द लाइफ ऑफ टीनएजर, ऐसा आता है तो आपको इस हेडिंग के साथ ये क्वेश्चन को रन करना है, यानी इसी क्वेश्चन को चला देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या रहेगी। ये हेडिंग हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टीनएज में फ्रस्ट्रेशन होना एक आम चीज़ होती है, तो ये फीचर होता है टीनएज का। तो आपको इस क्वालिटी को ज़रूर देकर आना है। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि आपको इतना सारा याद नहीं हो रहा हो, तो आप इसमें से कुछ लाइन्स को हटा सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा हो इसमें ये शब्द समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन टेस्ट सभी लोगों का कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट लव फेलियर, ये भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। डिस्कस अबाउट द लव फेलियर ऑफ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। तो यहाँ पर आपको एक हेडिंग मिल जाती है और इतना आप यहाँ तक ले सकते हैं, ये आप कंक्लूजन में लेके जा सकते हैं या फिर फ्रस्ट्रेशन वाले क्वेश्चन में लेके जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका टीज हिम तक जा सकता है इस हेडिंग में, तो आपको यहाँ तक लिख देना है।
नेक्स्ट आपका चला जाता है, ये आता है हमारा दूसरा इंट्रोडक्शन, कि अगर पूरा क्वेश्चन घुमा कर ना आए, बिल्कुल डायरेक्ट पूछा जाए आपसे, तो आप बिल्कुल ये लिख सकते हो। फर्स्ट वाला जो इंट्रोडक्शन दिखाया था खराब, वो भी नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है, मार्क्स गेनिंग है। जो फर्स्ट दिखाया था मैंने, आप इन दोनों को ऐड भी कर सकते हो, इट मींस इन दोनों को जोड़ सकते हो और एक अपना बना सकते हो। और ये वाला जो इंट्रोडक्शन है, ये जो फर्स्ट मैंने दिखाया था आपको, वो आपको एज अ राइटर भी चल सकता है। तो फर्स्ट वन मैं रिकमेंड करूँगी आप लोग उसको याद करें इंस्टेड ऑफ दिस। तो आप इन दोनों को जोड़कर भी एक इंट्रो अपना तैयार कर सकते हैं अपने नोट्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो लाइन है लास्ट में, ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें से आप या फिर तो यहाँ तक लिखेंगे और यहाँ पर एंड लगा देंगे और यहाँ पर फुल स्टॉप। तो या फिर तो आप यहाँ तक लिख लीजिए, लेकिन अगर आपको ये पूरा लिखना है तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फिर आप यहाँ तक लिखेंगे, फिर आपको यहाँ तक लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग आती है उसके नेचर की, यानी एक इंसान का नेचर कैसे होता है, या नेचर ऑफ द प्रोटागोनिस्ट, आप ऐसे भी अपनी हेडिंग डाल सकते हो, उसको थोड़ा सा बड़ा और वाइड दिखाने के लिए। यहाँ पर से आपको ये चीज़ लेनी है और जितना आपको याद हो जाए उतना वेल एंड गुड, लेकिन 5 लाइनें तो कम से कम आपको रखनी है कि आप लोगों को याद हो जाए। कम से कम एटलीस्ट 5 लाइन्स जो होनी चाहिए हर हेडिंग से आपको याद होनी चाहिए। हिस टेंशन में आपको पूरा नहीं डालना है, कम से कम मैंने फिर वही कहा, इसमें कहीं ना कहीं उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन वाला जो पोर्शन है वो ऐड हो जाता है, क्योंकि उसकी जो टेंशन थी और फ्रस्ट्रेशन थी दोनों एक ही चीज़ से थी, क्योंकि वो अपने क्वेरल से, पेरेंट्स के क्वेरल से बहुत ज़्यादा घबराता था। अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी हो, इजी है और आपको अच्छे से याद हो जाएगी। अगर ये नोट्स आप प्रॉपर तैयार कर लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट आपका रहेगा कि उसका वीकनेस क्या था, क्योंकि जब भी हम किसी कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो हमें उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देना होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोगों की जाएगी हिज वीकनेस की, और देन आके जो आप लोगों का जाएगा, देन द फाइनल थिंग इज द कंक्लूजन। कंक्लूजन आपका इतना बहुत है, इससे ज़्यादा आप ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाइएगा और सिर्फ इतना कंक्लूजन करके आ जाइएगा। अब बारी आती है आपकी टेस्ट की, तो जल्दी से देख लेते हैं आप लोगों का टेस्ट। यहाँ पर जो मैंने शुरुआत में आपको टेस्ट शीट दिखाई थी, सेम आपको टेस्ट शीट देनी है। अब आपको टेस्ट कैसे देना है, सिर्फ आपको मुझे बताना है कि इसमें आप कौन कौन सी हेडिंग को इंक्लूड करोगे, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि कुछ हेडिंग्स को हम स्किप कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कौन कौन सी हेडिंग्स को देने वाले हो इन 5 क्वेश्चंस में, वो आपको मुझे बताना है। और फर्दर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।